तहसीलदार साहब के पास जाते हैं तो भगा देते हैं, हट जाओ। आम जनता ने तय कर लिया है कि इनको हटा के ही मानेंगे, नहीं तब तक तहसील से उठने वाले नहीं है। नीलमणि जी, ये अधिवक्ताओं से वाद विवाद करते हैं, खुले तौर पर बदतमीजी करते हैं, अपने दम नहीं है, इस रजिस्ट्री में कुछ गलत है तो आप इसे रिजेक्ट कर दो। बदतमीजी काज की जाती है और जात सूचक शब्दों का उपयोग किया जाता है, ये गरीब कहां पर जाए, किस जगह पर गुहार लगाए। भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में वह सबका हिस्सा तय है, एसडीएम से और नायब तहसीलदार से खुले आम उन्हें लूट मचा के रखी है। राजेश शुक्ला जी के संरक्षण में पूरे जिला में जनता त्राही त्राही कर रही है। खबर रीवा जिले से है, जहां सिरमौर तहसील में पदस्थ एसडीएम नीलमणि अग्निहोत्री और नायब तहसीलदार अनुपम पांडे को तत्काल हटाने की मांग को लेकर सैकड़ों की संख्या में पहुंचे स्थानीय लोगों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि पदस्थ अनुविभागीय अधिकारी नीलमणि अग्निहोत्री एवं नायब तहसीलदार अनुपम पांडे के द्वारा आए दिन अधिवक्ता गणों एवं आम जन के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, जिसके कारण विवाद की स्थिति निर्मित होती है। अधिवक्ताओं एवं आम जन के मध्य गुटबाजी कर विवाद कराने, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने, आर्थिक लाभ के बिना प्रकरणों का निराकरण करने के चलते आम जनमानस में भारी रोष व्याप्त है। ज्ञापन सौंपने वाले ने कलेक्टर से मांग की है कि एसडीएम नीलमणि अग्निहोत्री और नायब तहसीलदार अनुपम पांडे को तत्काल सिमरिया से हटाया जाए। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो तहसील प्रांगण सिमरिया में विधानसभा क्षेत्र की जनता क्रमिक अनशन करेगी। आपको बता दें कि नीलमणि अग्निहोत्री का विवादों से गहरा नाता है, चाहे वह बीएमओ के साथ की गई अभद्रता हो या सवाल पूछने पर पत्रकारों पर बौखलाहट उतारना या फिर महिला के द्वारा लगाए गए गंभीर आरोप हो। एसडीएम नीलमणि अग्निहोत्री स्थानीय विधायक केपी त्रिपाठी के खास माने जाते हैं, जिसके चलते कई बार भेदभाव के आरोप लग चुके हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्षेत्र के लोगों की मांग पर विधायक के चहेते एसडीएम को हटाकर कलेक्टर आम जनमानस की बातों को प्राथमिकता देती है या वरिष्ठ अधिकारी भी एसडीएम नीलमणि अग्निहोत्री और नायब तहसीलदार को जनता का शोषण करने के लिए खुली छूट जारी रखते हैं। राजेश शुक्ला जी के संरक्षण में पूरे जिला में जनता त्राही त्राही कर रही है। आइए आपको सुनाते हैं ज्ञापन सौंपने वालों ने क्या मांग की है। आड़ी निकाल लेते, पैट कर ले बस। आवास का मेरे पैसा आवास साहब, हमारे पास जमीन नहीं रही, 20 मिल खरीदें, 1 साल 2 महीना हो गया, तहसीलदार साहब के पास जाते हैं तो भगा देते हैं, हट जाओ। विक्रेता के लिए और रेता के लिए हम दोनों को उपस्थित किए, दस्तखत करवाए, फिर भी पैसा मांगते हैं, भगा देते हैं, कहते हैं धरी ही रहे, धरी है, धरी ही रहेगी, तुम्हारा नहीं करेंगे। 1 डिसमिल जमीन है, परदेसी रेस्टी ला रहे, दिखा दी पेमेंट लगी है। अनुपम पांडे जी सिमरिया, तहसील सिमरिया, एसडीएम साहब भी हैं जी जी, सिमरिया में है दोनों, भगा देते हैं, कहते भाग जाओ, पैसा चाहिए। अरे 1 साल 2 महीना होगा मेरी रजिस्ट्री, ले परदेसी वाले। राजेश शुक्ला जी के संरक्षण में पूरे जिला में जनता त्राही त्राही कर रही है। रामपाल कोल नाम है, रामपाल कोल नाम है मेरा, और हम लोग को घर पचासा में फंस गया साहब, और हम लोग तहसील सिमरिया गए तो वहाँ वो साहब लोग बोलते हैं कि यहाँ तुम हट जाओ और यहाँ कोई सुनवाई नहीं होगी। इसके लिए हम लोग भी कलेक्टर साहब के पास आए थे, और हम लोग के गांव में हम लोग 200 वर्ष से वहाँ पटैया टोला में रहे हैं, आज तक कोई आवास भी नहीं आया है। राजेश शुक्ला जी के संरक्षण में पूरे जिला में जनता त्राही त्राही कर रही है। मैं अधिवक्ता राजकुमार मिश्रा सिमरिया में प्रैक्टिस करता हूँ, सिरमौर रीवा भी देखता हूँ। क्या है कि हमारे यहाँ अनुभाग सिरमौर में नीलमणि अग्निहोत्री जी
मतलब एक बार विवाद पर आए दो वर्ष के पूर्व, उनको हम अधिवक्ता विरोध किया, कार्यालय का बहिष्कार किया, इसके बाद इन्हें जिला से बाहर किया गया था। फिर राजनीतिक संरक्षण पर, खास तौर पर राजेंद्र शुक्ला जी की ही उसमें संरक्षण है, खुले तौर पर राजेंद्र शुक्ला जी के संरक्षण में पूरे जिला में जनता त्राहि त्राहि कर रही है, और उन्हीं के संरक्षण पर इकलौते ऐसे अधिकारी, राजस्व अधिकारी, अनुभागीय अधिकारी है नीलमणि जी, जो विरोध के बावजूद भी सिरमौर अनुभाग पर लाया गया। ये अधिवक्ताओं से वाद विवाद करते हैं, खुले तौर पर बदतमीजी करते हैं, अपने डेस्क पर इन्होंने हमारे साथ वाद विवाद किया, हमें अपमानित किया, जलील किया, इसकी हमने शिकायत सचिवालय में दिया, आज तक कोई नहीं जांच हो रही है, ना कोई इनके खिलाफ में कार्रवाई की गई। उसका सिर्फ कारण है कि राजनीतिक संरक्षण है। ऐसा अधिकारी जो बिना आर्थिक लाभ लिए किसी प्रकरण में, बिना आर्थिक लाभ लिए किसी प्रकरण में आदेश पारित नहीं करते। अनुभागीय अधिकारी अग्निहोत्री जी के पास आज 2000 के पास प्रकरण रखे हुए हैं पेंडिंग में, सिर्फ आर्थिक लाभ पर प्रकरण रखे गए हैं, रोक करके जिनमें लाभ लिया जाता वही प्रकरण पर आर्डर किया जाता। ऐसे विवादित बलबोलेपन अहंकारी अधिकारी को जिला से बाहर किया जाए, ये हमारी मांग है। यदि न्याय नहीं दिया गया तो हम लोग 17 तारीख से जन आंदोलन करेंगे। राजेंद्र शुक्ला जी के संरक्षण में पूरे जिला में जनता त्राहि त्राहि कर रही है। ये इतने पेपर आप लोगों के सामने हैं, इसमें रजिस्ट्रियां हैं, इस तरह के ये पेपर हैं, और ये आम जन की समस्या है, किसी एक आदमी की नहीं। जितने लोग यहाँ पे आए वो सब पीड़ित लोग आए हैं। एक तो सबसे बड़ी जो समस्या है वो समस्या ये है कि मुख्यमंत्री जी एक तरफ ये कहते हैं कि हम सारी चीजों को पारदर्शी करने जा रहे हैं, मुख्यमंत्री ऑनलाइन पोर्टल में कोई भी रजिस्ट्री यदि उसमें पोर्टल में की जाएगी तो उसको 21 दिन 11 दिन के अंदर उसका निराकरण करके और लाभार्थी को सीधे उसके घर पे लाभ पहुंचाया जाएगा। दूसरी तरफ उनके द्वारा पदस्थ किए हुए तहसीलदार पोर्टल से बाहर करके और उसको धता बता के इस तरह पारदर्शी उपकरण को उसको किनारे करके और पोर्टल से एक लाइन की चिट्ठी वो लिखते हैं, ये आप लोगों को मिलेगा कि प्रकरण प्रस्तुत किया गया विक्रय आवेदक ये फला फला, इसमें न्यायालयीन प्रकरण के लिए ये बाहर किया जाता है। मेरा कहना यह है कि यदि इसमें दम नहीं है, इस रजिस्ट्री में कुछ गलत है तो आप इसे रिजेक्ट कर दो, वो अगले अधिकारी के पास जाएगा, अगली जगह अपील करने जाएगा। आप इसको एक लाइन की चिट्ठियां, ये 25 चिट्ठियां आपको मिल जाएंगी और अभी मिले नहीं एक ही तरह के पत्र, और इनको पोर्टल से बाहर करके फाइलों को दबा के रख दिया जाता है। जब भी कोई भी अभ्यर्थी किसी माध्यम से किसी तरह से लाभ और इन चीजों के लिए बात करता है तो उसकी फाइल निकाल कर उसको कर दिया जाता है। और जो भी लोग जाते हैं, अभी मैं आपको आदमी बताता हूं, एक धिसमिल जमीन है रामचंद्र इधर आओ, ये रामचंद्र साकेत है, पूर्व जनपद सदस्य है, इसके पास आवास के लिए जमीन नहीं है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि आवास योजना के लिए आपको आवास योजना के लिए लाभ दिया जाएगा, इसने आवास में घर बनाने के लिए 1 डिसमिल जमीन खरीदी 20,000 रुपए में, एक वर्ष रजिस्ट्री को हो गया, इसकी रजिस्ट्री इसमें है हाथ पे, एक साल में नामांतरण नहीं हुआ, वहां पे ये जाता है तो इसके साथ अनुपम पांडे तहसीलदार के साथ हरिजन होने के साथ साथ इसके साथ बदतमीजी की जाती है और जात सूजक शब्दों का उपयोग किया जाता है। ये गरीब कहां पर जाए, किस जगह पर गुहार लगाए, ये मामला है कहां, सिमरिया 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 तहसील साहेबपुर सर्किल का है। आप फरियादी से खुद भी पूछ लीजिए, रामचंद्र इधर आओ, तो रामचंद्र जी बताओ क्या समस्या है। राजेंद्र शुक्ला जी के संरक्षण में पूरे जिला में जनता त्राहि त्राहि कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में वह सबका हिस्सा तय है, एसडीएम से और नायब तहसीलदार से खुले आम उनने लूट मचा के रखी है। एक नहीं 1000 प्रकरण अभी है, जितने आप कहो, जब तहसील में धरना चलेगा आप लोग आ जाना, किस तरीके की त्राहि त्राहि मची हुई है आप देखना वहां पे। तो अब तो हम लोगों ने तय कर लिया है, आम जनता ने तय कर लिया है कि इनको हटा के ही मानेंगे, नहीं तब तक तहसील से उठने वाले नहीं है और तहसीलें बंद कर देंगे। यदि तहसील केवल इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आम जनता को लुटवा ले, डकैती डलवाए, और ऐसे अधिकारी हैं गाली गलौज भी करते हैं, पैसे भी लेते हैं, दोनों पक्ष से पैसे लेते हैं, वकीलों से बदतमीजी करते हैं, आम जनता से तो करते ही है, तो इनके विरुद्ध निर्णायक जंग के लिए हम लोग आए हैं जिला अध्यक्ष को आज सूचना देने, और 17 तारीख से हम लोग अपना काम शुरू करेंगे। क्या नाम है आपका? प्रदीप सोगौरा।